बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे होंगे? खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़े के अंदर होंगे। अगेन एक और वीडियो के साथ हाजिर हो गए, और वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड है? वीडियो है लॉन्ग टर्म रेंटल के ऊपर। जैसे रेंटल कॉम्स हम करते हैं ना, रेंटल कॉम्स, लॉन्ग टर्म रेंटल कॉम्स के ऊपर, LTRB हम इसको कहते हैं। पहले शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर भी वीडियो बनाई जो Airbnb के ऊपर है, लेकिन ये वीडियो जो है ये कुछ और वेबसाइट्स के ऊपर है कि हम लॉन्ग टर्म जो रेंटल कॉम्स निकालते हैं, एक कंपेरिजन करते हैं कि यार हमें एक रेंट का आइडिया देना होता है, तो उसके लिए रेंटल कॉम्प्स किए जाते हैं। उनका तरीकाकार क्या है, उसको किस जगह से हम करेंगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में वीडियो होगी। और वीडियो अगर तो पूरी देखोगे तो समझ आएगी, पूरी नहीं देखोगे और मुझे मैसेज करोगे तो वेरी सॉरी, मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगा। मुझे पता चल जाता है किस बंदे ने पूरी वीडियो देख के जवाब दिया है क्या, और सवाल पूछा, और किसने बगैर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें दर्ज है वो इंक्लूड की है, मैंशन की है, जो मैंने पूरा प्रॉपर बनाया है, अपना लेक्चर बनाया। तो कोशिश करो कि अगर सीखने के माइंड से आए हो तो वीडियो पूरी देखो, अगर सीखने के माइंड से नहीं आया तो भाई हम वीडियो देखने के बाद चले जाना, आगे वीडियो ना देखना जो लैपटॉप पे मैं बताऊंगा, ठीक है? और दूसरी बात, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज जो स्किल्स की होती है आपको मिलती रहे। कमेंट वगैरह लाइक वगैरह भी कर दिया करो यार, और ब्लॉगिंग के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जो ब्लॉगिंग का चैनल है उसका हैंडल है @SialBlogs47, ठीक है, विदाउट स्पेस, SialBlogs47 सर्च करेंगे, मेरा दूसरा चैनल आएगा हमारे दिन SialBlogs के नाम से। और स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना और आप लोग परेशान ना, और चीज़ आपको समझ में आ जाए जो कि मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म रेंटल कॉम्स के ऊपर, जिलों के ऊपर और पैड मैपर के ऊपर, उसको किस तरह से प्रॉपर जो हमने यूज़ करना है, किस तरह से उसको कॉम्स हमने निकालना है, प्रॉपर उसकी सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा, तो फोकस करके देखना है। चलें ज़रा स्क्रीन पर चलते हैं जी, स्क्रीन पे आ गए हम और आपको दिखाते हैं कि कॉम्प्स जो हैं LTR, लॉन्ग टर्म रेंटल कॉम्प्स जिनको हम कहते हैं LTR, वो किस तरह से करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अपने क्लाइंट का जो है ये शीट वगैरह दिखा रहा हूँ, तो हर क्लाइंट के अपने हिसाब से होती है शीट, उनका तरीक़ेकार सब कुछ जो है वो उनका होता है, तो ये लाजमी नहीं कि आपको यही शीट यूज़ करनी है। अगर वो आपको ये करवाएँ तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ये यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे तो जस्ट मैंने जो है अपने डिटेल्स ऐड करनी है, सैम्पल Airbnb बाय उसने नाम लिखा हुआ था, लेकिन इसको ये शीट मेन यूज़ तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मैं आपको ज़रा दिखाता चलो, मैं ज़रा इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, सेटिंग भी अगर आप देख लें आपको कहीं काम आ सकती है। ये आगे क्या, अच्छा जी, अब ये तो Airbnb के जो फुल कॉम्स होते हैं, इस पर बाकी वीडियोज़ हैं मेरी वो है। अब हमने करना है LTR कहते हैं, लॉन्ग टर्म रेंटल कॉम्स, एक तो हमने ये करना है। दूसरा हम टैब बना रहे हैं इसके अंदर, लॉन्ग टर्म रेंटल के बाद हमारा टैब है Airbnb का जो है मंथली फर्निश्ड कॉम्प्स हैं, तो Airbnb फर्निश्ड, फर्निश्ड, ठीक है, ये दो। अब इसका जो कुलिया लगाना है वो कैसे लगाना है, मुझे ज़रा इधर कोई ईमेल आया, ओके नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास शीट है जिसमें मेरे क्लाइंट के जो सैंपल है काम का, अब जो ये वाला है ये रेंटल कॉम्प्स का है LTR का, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा डाटा को, और उधर जाके मैं इसको पेस्ट करूँगा अपनी शीट के अंदर। ये मैंने कॉपी क्यों किया है, कॉपी इसलिए किया ये पर जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो मेरे काम की हैं, बाकी चीज़ें मैंने ये नीचे से उड़ा देनी है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से एड्रेस को उड़ा दूँगा, क्योंकि एड्रेस मुझे उसने नया दिया है तो मैंने उसको करना है। और Airbnb फर्निश्ड, ये मेरे पास शीट मैंने बना के रखी है, STR की है, शॉर्ट टर्म रेंटल जो कॉम्प्स होते हैं ये डिटेल्स की, उसकी मैंने एक सैम्पल रेबेका कॉम्प्स सैम्पल मैंने लिख के नाम रखा हुआ है, तो ये दूसरी है फर्निश्ड जो कॉम्प्स हैं Airbnb के, ये उसके टाइटल्स यहाँ पर डाल दिए। मेन तो क्योंकि ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, STR की, इसका ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, तो ये सैंपल मेरे पास होना चाहिए, इसका भी इतना ज़्यादा नहीं है, बस ये याद रखने के लिए यार ये ऊपर क्या क्या चीज़ थी, इसकी क्या चीज़ नहीं थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सैंपल को बंद करें, इधर आ जाते हैं अपने शीट के ऊपर। ये एड्रेस दिया है मेरे क्लाइंट ने, और क्लाइंट ने मुझे कहा है डू लॉन्ग टर्म रेंटल कॉम्प्स यूजिंग पैड मैपर एंड जिलो फॉर टू यूनिट टाइप्स एंड आल्सो मंथली फर्निश्ड रेंटल कॉम्प्स यूजिंग Airbnb। सो पहले हम कौन सा करेंगे, LTR करेंगे पैड मैपर और जिलो को यूज़ करते हुए। ये एड्रेस है हमारे पास 1546 वेलेंटीना स्ट्रीट डेनवर CO आगे एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी क्या है, यह पूरी एड्रेस है ना, ये इसको मैं ये किया, यहाँ सर्च किया।
अब जिलो को यूज़ करते हुए करना, तो हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद हमें ये एड्रेस जो सामने आ गया हम इसी को ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद सॉरी ये कौन, अच्छा तो मैंने वो खोल दिया, मैं वैसे इस शीट को भी इधर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को काम किया, इसको बुकमार्क कर दिया, डिलीट बंद कर दिया। ओके सो ये प्रॉपर्टी है जी ये वाली, यहाँ तो ये बड़ी नई नई हुई पड़ी है जिलों के ऊपर, ये पुरानी सी फील हो रही है, फ़ोटो सही नहीं लगा हुआ, फ़ोटो का जो है वो मज़ा नहीं है, बाकी प्रॉपर्टी आई थिंक वही सेम टू सेम है, वही है। ओके अब प्रॉपर्टी तो है ऑफ मार्केट, जो रोले वाली थोड़ी सी बात होती है कि ऑफ मार्केट है, लेकिन जो है हमने इसको क्या करना है, अब जब रेंटल कॉन्स करने हैं तो हम इसको सिंपल तरीके का आ रहा है, इसको उठाएंगे डुप्लीकेट में डालेंगे, यही जो शीट हमारे पास ओपन हुई थी, जो टैब ओपन हुआ हुआ था, इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद ये हमें बाउंड्री लाइन भी मिल गई एक, तो ओ तेरी ये काम थोड़ा सा ना गलत होता है, इसके लिए कुलिया क्या होता है, वीडियो पूरा देखा करो यार अगर पूरा प्रॉपर समझना है तो। हाँ ये कंट्रोल टू जूम इन ईस्ट कोलफैक्स, ठीक है अरोरा है, इधर डेनवर है, अरोरा एंड डेनवर, ये अरोरा है, ये डेनवर है, और ईस्ट कौन सी है, ये ईस्ट आ गई, ये वो स्ट्रीट है हमारे पास। इस तरह से आप मैप से आके इजीली सर्च कर सकते हैं। अब मैप से सर्च करने के लिए पहले हमें इधर प्रॉपर देखना पड़ेगा कि वो एड्रेस कहाँ पे था भाई, ये एड्रेस यहाँ पे करके, ये नॉर्थ अरोरा डिवीज़न, यहाँ पे नॉर्थ अरोरा डिवीज़न किस जगह पे है भैया, नॉर्थ अरोरा डिवीज़न जहरी सी बात है इस साइड पे होगा, वो देखें नॉर्थ अरोरा डिवीज़न यहाँ पे है। सो हम इसको किस जगह पे ढूंढेंगे, ई 17th एवेन्यू, ठीक है, और इधर कौन सी स्ट्रीट है, वर्बेना स्ट्रीट, वर्बेना स्ट्रीट ई 17th, वर्बेना स्ट्रीट किस जगह पे है, थोड़ा सा क्लोज चले जाएंगे, ठीक है, और वर्बेना स्ट्रीट, वर्बेना स्ट्रीट, वर्बेना स्ट्रीट ई 17, ई 16 से हमारा है, वर्बेना स्ट्रीट किधर है, ये थोड़ा सा काम इस तरह से अक्सर मुश्किल हो भी जाता है, लेकिन ये ऑल द टाइम्स नहीं होता, ये कभी कभार होता है, इसलिए इतना ज़्यादा इसके लिए फ़िक्रमंद नहीं आना। ये विलो स्ट्रीट पे आ जाते हैं यार, विलो स्ट्रीट के साथ है विलो स्ट्रीट, सो वेयर इज़ द विलो स्ट्रीट यार, ये वैसे ही आ गई विलो स्ट्रीट, ये वर्बेना स्ट्रीट, यहाँ पे करके हमारा जो है ये वाला घर है, ठीक है, ये यहाँ से मैप से आप आइडिया लगा लें, बाकी जगह तो वहीं पहुँच गया सेम, ये इस जगह पे होम है। अब इस जगह पे हमने जो है फोकस करना है, फोकस क्या करना है, हमने निकालनी है दो बेडरूम और एक बाथरूम, सॉरी बेडरूम बाथरूम पे पहले आ जाएंगे, दो बेडरूम एग्जैक्ट अप्लाई होम टाइप, पहले इसको होम टाइप चेक कर लें, ये होम टाइप कौन सा है, होम डिटेल्स इसमें नहीं दिया हुआ कि होम टाइप क्या है, बट ये लाइक कह लें आप मल्टी फैमिली है, या सॉरी रेंटल कॉम्स कर रहे हैं तो इसमें मल्टी फैमिली या इस तरह का कोई सीन नहीं होगा, इसमें हम टाउन हाउस मल्टी फैमिली, बल्कि मल्टी फैमिली नहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा का प्राइस बताने लगे तो हमने एक आधे का देखना होता है, सो कंडोज का कर सकते हैं अप्लाई, फॉर सेल को हमने जो है सॉरी फॉर रेंट कर देना, फॉर रेंट एंड अप्लाई, ठीक हो गया। अब दो बेडरूम के जो हमने जो है वो डिटेल्स निकालनी है लॉन्ग टर्म रेंटल की, प्रॉपर वीडियो देखा करो अगर प्रॉपर समझना है तो, भाई सीधी सी बात है। अब इसमें आ जाते हैं, 2300 स्क्वायर फीट है, पांच बेडरूम पांच बाथरूम वाली है, और हमने करनी है दो बेडरूम एक बाथरूम, ठीक है, दो बेडरूम एक बाथरूम वाले का डाटा निकालना है। इसको अब हम थोड़ा सा जो है जूम आउट कर लेंगे ताकि हमें जो लिस्टिंग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शो हों। अब यहाँ पर 1865 प्लस जो लिखा हुआ है, ये इनके पास यूनिट्स ज़्यादा हैं तो इसलिए यूनिट्स ज़्यादा जो होते हैं उनका इस तरह से बताता है। हमने देखना है कि ये 2400 पर मंथ, 2050 पर मंथ, 1575 पर मंथ, ये पर मंथ वाले जो है ना इनको ओपन करेंगे तो हमारा जो है काम वो प्रॉपर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि ये हमने खोला,
तो हमें ये डायरेक्ट एड्रेस लिंक हर चीज़ मिल गई है। तो कोशिश करना है कि यही उठाना है, ठीक है, इससे हट के नहीं उठाना, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करते हैं, मैं आपको ज़रा इसको दिखा दूँ, प्लस वाला जो होता है, प्लस वाले में हमारे पास एक एड्रेस का डाटा नहीं आता, अपार्टमेंट फ्लोर प्लान और ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे ज़्यादा, यानी कि इसके पास मैचेस वन बेड टू बेड थ्री बेड मुख्तलिफ के पास अपार्टमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं। तो इसका हमने डाटा नहीं निकालना, हमने डाटा निकालना जस्ट इसके लिए, ये टू बेडरूम टू बाथरूम और यार टू बेडरूम टू बाथरूम का आ रहा है, टू वन का हम निकालेंगे, हमने टू वन का क्लाइंट ने कहा है, तो प्रॉपर जो है उसका स्टिक रहना चाहिए, उसके जो डिटेल्स हैं तो उसकी डिटेल्स के साथ हम रहेंगे। ये मैंने ज़िलों का लिंक कॉपी किया है कंट्रोल सी यहाँ से ऊपर से, ठीक है। देन हम अपनी शीट पे चले गए और ये एलडीआर पे आ गया, रेंटल कॉम्प्स, यहाँ कंट्रोल वी करके, सॉरी पहले ज़िलो लिख लिया, ज़िलो लिखने के बाद कंट्रोल के, कंट्रोल के करने से फ्रंट पे वही रहेगी जो वर्डिंग हमने लिखी हुई है, और यहाँ पे हम लिंक पेस्ट करेंगे, ये लिंक वहाँ से जो उठा के लाए थे इसको कर दिया अप्लाई, अब ये इसके नीचे लिंक डल गया, ठीक है। लिंक डलने के बाद हम ज़रा इधर आ जाते हैं, तो प्राइस कितनी है, 2050 21830, ठीक है, 2050 21850 था, आई थिंक 850 था, मुझे याद नहीं है, हाँ 830 स्क्वायर फीट था, और ये टाउन हाउस है, ये टाउन हाउस को भी हम निकाल के ले जाएंगे, इसको 830 करते हैं, सॉरी 830 ये टाउन हाउस, ठीक है। ज़िलो इसका लिंक, प्राइस, बेड, बाथ, स्क्वायर फुटेज, और ये हाउस टाइप क्या है, वो टाउन हाउस है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये हमने दो एक वाला एक निकाल लिया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसको नेक्स्ट टैब में जो है ना ओपन करते जाएँ, नेक्स्ट में यहाँ से आपको डाटा निकालना जो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको मैंने उठा के लाया, आई डोंट नो कि ये लिंक के साथ तो नहीं आ रहा, सॉरी लिंक के साथ आ रहा है, तो मैनुअल लिख लेते हैं यार, कोई मसले वाली बात नहीं है, ज़िलो ज़िलो ज़िलो, ओके। अब दूसरे वाले पर लिंक तो मैं कॉपी करके लाऊँ, कंट्रोल के वी एंटर, हमारा लिंक जो है वो यहाँ पे डल चुका है, और 1575 7, ये क्या यार, ये यहाँ से हम कॉपी करके ले आते हैं, 2150 ये प्राइस डल गई, ये दो बेडरूम एक बाथरूम, 750 जो है ये इसका था स्क्वायर फीटेज, और टाउन हाउस था ये भी, सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी टाउन हाउस नहीं, अपार्टमेंट फॉर रेंट, सो APT लिख सकते हैं, अपार्टमेंट हम लिख सकते हैं जो हमारा दिल करेगा। आई थिंक देयर इज एन इंटरनेट इशू विद माय सिस्टम, कोई बात नहीं अभी चल जाएगा, कोई इतनी मसले वाली बात तो है नहीं, तो मेरा रिकॉर्डर भी चल रहा है, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार झटका सा लगा, पता नहीं क्या हो गया, ये टाउन हाउस को हम चेंज करके अपार्टमेंट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपार्टमेंट था यहाँ पे लिखा हुआ उसने अपार्टमेंट। नेक्स्ट वाला हमने जो ओपन किया था ये हालांकि था लेकिन थोड़ा सा काम ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, इसके आगे हमने इसको ओपन किया तो इसका ये आ रहा है। इसी तरह से सिर्फ सर्च ये वाले करने हैं आपने, जो आपको ईजीली फिर वो उसका प्राइस रेंज जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें अपार्टमेंट फॉर रेंट, इसका एड्रेस डिस्क्लोज्ड है, नो प्रॉब्लम, हमने अपना ऊपर से डाटा उठा लेना है, हमें जो प्रॉपर डिटेल्स चाहिए हम वही लेके जा रहे हैं। 2190 1764 को कॉपी पेस्ट कर दें, 2190 मुझे भूल गया यार कितना था, 900 कितना था, 900 पूरा ये यार, और अपार्टमेंट है, ठीक है, सो दिस 900 अपार्टमेंट, ओ सॉरी कुछ नहीं हुआ था। अब ये तो हमने निकालना है ज़िलों से, और तकरीबन 9 to 10 जो हैं हम निकालते होते हैं इसके लिए, अब जो रूटीन चल रही है 9 to 10 प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंपेरिजन जो हैं वो निकालेंगे। दूसरी है पैड मैपर, ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन घबराना नहीं भाई, देखते रहना है, देखोगे प्रॉपर से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि काम क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, क्या कुली है क्या नहीं है। पैड मैपर, वेयर डू यू वांट टू लिव, तो हम लगाएंगे ये वाला एड्रेस जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि हमने वहीं का करना है, वहाँ का डाटा निकालना है। तो पैड मैपर का भी आपको अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ, वैलेंटाइन स्ट्रीट डेनवर्स, ओके डन।
एड्रेस लगा के हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद हमें ये उसी सिटी में उसी एरिया में लेके चला जाएगा और वहाँ पे हमारे जो है वो कॉम्प्स हम निकालेंगे। अब ये पैड मैप पर ओपन हो गई है, ये हमें वहीं लेके आ गया कोलोराडो डेनवर के अंदर, ये सर्च के अंदर आ रहा है आपके सामने। हमें कौन सी चाहिए? लॉन्ग टर्म, लेंथ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं करना, यहाँ से हम सिर्फ आगे लॉन्ग टर्म की करते होते हैं। बेडरूम्स कितने चाहिए? 2 चाहिए हमें, ठीक है। मोर फिल्टर्स अगर हम जाते हैं तो हम हाउस पे भी आ सकते हैं, कंडो पे आ सकते हैं, अपार्टमेंट पे आ सकते हैं, अपार्टमेंट कंडो इनको सेलेक्ट कर लें, नो प्रॉब्लम। बाथरूम नो इशू, जितना मर्ज़ी आ जाए। और ये डन कर दिया। अभी ये हमें यहाँ लिस्टिंग्स 512 जो लिस्टिंग्स हैं इसने वो जो है बता दी हैं। हम यहाँ से वैसे थोड़ा सा आइडिया लगा के करीब भी जा सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस था वो किस जगह पर था। डेनवर एंड इकोप्लेक्स एवेन्यू, सॉरी ये किस जगह पर था मुझे भूल गया थोड़ा सा कि एड्रेस क्या था, बहुत करीब लेके आ गया। ईस्ट कॉम्प्लेक्स, हाँ डन, वही चीज़ है। ईस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये वहीं पे है, ई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अबाउट यहीं कहीं जो है हमारी लिस्टिंग थी, सो हम यहीं पे सर्च करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पैड मैपर पे एक चीज़ होती है 2480-2750, ये 2480 से 2750, ठीक है। ये दो प्राइसेस आ रही हो तो इसको नहीं ओपन करो, बिल्कुल ही ओपन ना करो, रोले में पड़ जाओगे, सीधी बात है। सो ये देखें, 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट, ठीक है, मॉन्टक्लेयर डेनवर। इसको ओपन, सॉरी यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से हम दबाएंगे, इस तरह से ओपन होगा। ये फ्लोर प्लान्स, यार ये मुझे बहुत बहुत चुभता है ये काम, ये नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी सी चीज़ जो है लेंथी हो जाती है, यहाँ पर वही प्लान जो है आगे प्राइसेस वाला उल्टा हो जाता है। बैक टू लिस्टिंग, इस पे आ जाते हैं, ये 1749 वाला, ये भी वही चीज़ है यार। डबल वाले पे तो हमने जाना ही नहीं ना, वो रोला ही है। रोला क्या है? ये देखें, अब ये है एक घर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। जब आप पैड मैपर पे आते हैं तो पैड मैपर पे आने के बाद यहाँ पे जब आप एक ओपन करके यहाँ दबाएंगे, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज के अंदर चला जाएगा। सो इसमें टेंशन नहीं लेने का। आप टेंशन लेने के अलावा क्या चीज़ है ये, इसका बहुत हैवी है यार। 1300 स्क्वायर फीट का है, 2 बेडरूम 1 बाथरूम है। $3695 इसका जो पर मंथ है वो है, सॉरी क्या उसको कहते हैं, रेंट है, ठीक है। अब जैसे हम जीरो जीरो डालते आ रहे थे, यहाँ पे पैड मैपर डालेंगे, पैड मैपर, जस्ट पैड मैपर, ये पैड मैपर्स का डल गया। अब पैड मैपर्स का, पैड मैपर्स नहीं सॉरी, पैड मैपर का जो है वो लिंक डालना है इसके अंदर। यहाँ कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल के वी, डन। यहाँ पे आगे प्राइसेस डालेंगे, ये इसको पकड़ के ले जाएंगे, कॉपी कर लेते हैं इधर, 2113 डाल देते हैं, 2113, ये 2113, सॉरी 11300 लिखा गया यार, $1300 स्क्वायर फीट का जो है ये 1300 है। इसमें आपके पास ये अपार्टमेंट का ऑप्शन है, जस्ट इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब एक लिस्टिंग मैं आपको और निकाल के दिखा देता हूँ इसकी ही, ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और हर चीज़ क्लेरिफाई हो जाए। यार यहाँ पे तो प्राइसेस ही बहुत हाई हैं, क्या करे बंदा। सॉरी 2 बेडरूम्स 2 बाथरूम्स अपार्टमेंट नहीं, हम नहीं करेंगे 2 बेडरूम्स 2, यार 2-2 का ही आ रहा है बंदा, इसको क्या कहे। 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट, ये भी वही प्लान्स वाला है, नहीं। 2 बेडरूम 3 बाथरूम, नो। 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट, ये भी वही है। ये थोड़ा सा चीज़ पैड मैपर पे आके इशू करती है, ज़िलों पे ढूंढना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इधर थोड़ा सा जो है वो, ये देखें फिर 900+ वाला काम आ गया। नीचे अपार्टमेंट्स 2 अवेलेबल हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए भाई। हमें क्या चाहिए? हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, जैसे अब ये मिली है, ठीक है। ये 2 बेड 1 बात एग्जैक्ट जैसा कि हमारे क्लाइंट ने कहा होगा, 2 बेडरूम 1 बाथरूम वाला, और फिर उसके बाद निकालेंगे जो दूसरा है, क्या उसको कहते हैं यार, 1 बेडरूम 1 बाथरूम वाला, तो वो भी सर्च करूँगा। लेकिन वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोगों को समझाने के लिए, आई थिंक ये काफ़ी लंबी वीडियो बन गई और प्रॉपर मैंने समझाया कि ज़िलों से LTR कैसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म रेंटल कॉम्प्स, और इससे कैसे निकालेंगे। 2182, ठीक है, ये प्राइस डाल दी, 2182 एंड अपार्टमेंट। पैड मैपर पे आपको अपार्टमेंट का ही वर्ड जो है वो मिलेगा, और कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एड्रेस हमने यार लिखना था, मुझे तो चीज़ भूल गई फिर, सॉरी। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके भैया यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ,
नाउ गुड। लॉन्ग टर्म रेंटल कॉम्स जो करते हैं हम, उसके लिए जिलो और पैड मैपर को यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर से दोबारा से एक दफ़ा समरी दे रहा हूँ आपको रेंटल कॉम्स के लिए। जिलो में सर्च करें, सर्च करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर दें, डुप्लीकेट करने के बाद नया आ जाएगा, उसको वेरीफाई कर लें एड्रेस के साथ। यहाँ से ये नीचे एड्रेस मैप होता है, सॉरी, अगर फॉरम उसके बाद सही आ जाए लोकेशन तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इस तरह की ऑफ मार्केट प्रॉपर्टी आती है तो वो पूरे सिटी के ऊपर फोकस कर जाता है। उस फोकस का क्या करना है आपने, मैप से ढूंढ के उस जगह पे चले जाओ और अपने यहाँ पे बेड बाथ लगा लो, कितना आपने सर्च करना है, होम टाइप लगा लो जिस होम टाइप पे आप कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से इसको फॉर रेंट कर दो और उसके बाद इसको जो है सर्च करना शुरू कर दो, और उसका लिंक इस तरह से जैसे मैंने ये डाला है जिलो लिख के डालोगे तो ज़रा प्यारा लगेगा कंट्रोल की करके, ठीक है। अगर प्राइस, बेड बाथ, स्क्वेयर फीटेज, हाउस टाइप क्या है, इस तरह से पैड मैपर के ऊपर भी हमने सर्च करना है। सर्च करने के बाद वो एड्रेस निकालना आपके सामने सारा दिखाया है, तो प्रॉपर से समझना अगर वीडियो का जो है कोई फ़ायदा लेना है तो, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।